पिछले 5 वर्षों में ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने लगभग 100 करोड़ का जुर्माना जो है वो जनता से वसूला है। और हैरानी की बात यह है कि एक भी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। सबसे ज़्यादा जुर्माना जो है वो ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू में वसूला है। और 2018 से लेके 2022 तक पिछले 5 वर्षों के लिए ट्रैफिक पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन ने 15 करोड़ रुपए से अधिक चलान जो हैं वो लोगों से वसूले हैं। और ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू ने 38 करोड़ जो हैं ये जम्मू की जनता से वसूले हैं। यातायात पुलिस ग्रामीण जम्मू ने 16 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला है। और दक्षिण श्रीनगर ने लगभग 16 करोड़ रुपए जो है वो जनता से वसूले हैं। और ग्रामीण कश्मीर ने 2022 में एक ही वर्ष में 5 करोड़ से अधिक जुर्माना जो है वो कश्मीर की जनता से वसूला है। अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कितने ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है। सबसे पहले साउथ कश्मीर में 2018 में 527 ट्रैफिक कर्मी तैनात किए थे। फिर उसके बाद 2019 में 500 ट्रैफिक कर्मी थे, 2020 में 490, 2021 में भी 490 ट्रैफिक कर्मी थे, 2022 में 470 ट्रैफिक कर्मी जो थे वो कश्मीर में देखने को मिले। और बात करें अब जम्मू की, तो जम्मू सिटी में लगभग 470 ट्रैफिक कर्मी तैनात किए हैं। और उसमें ट्रैफिक पुलिस रूलर में 324 एम्प्लॉइज़ हैं और साथ ही साथ 90 एसपीओज भी इसमें इंक्लूड हैं। ट्रैफिक रूलर कश्मीर में 370 जो हैं वो ट्रैफिक कर्मी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 5 सालों में 100 करोड़ जो है वो जनता से वसूला है। इस पर आपकी क्या राय है खबर के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।